एक और अहम खबर है, नैब कराची से एक और सीनियर प्रोसिक्यूटर ने इस्तीफा दे दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर आरडी कलहोड़ो ने इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया है। आरडी कलहोड़ो 2010 से नैब में फराइज अंजाम दे रहे थे। शाहिद हुसैन हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहिद, बताइएगा इस्तीफे की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, एक तो ये पीछे कराची से प्रोसिक्यूटर नैब के जिन्होंने इस्तीफा दिया है, एक तो ये है कि 2010 से ये फराइज अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब इनका कहना है कि इन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि जाति वजूहत की बिना पर ये इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन जो जराए बताते हैं कि नैब तरमीम के बाद जो प्रोसिक्यूटर हैं, सीनियर तरीन प्रोसिक्यूटर, अब वो नैब के केसेस का दिफा नहीं कर पा रहे। एक तो ये है कि कुछ ऐसा पहले जो हाई प्रोफाइल केस में और अहम तरीन जो मुल्जमान थे उनके खिलाफ जो है वो दलाल दिए जाते थे अदालतों में, लेकिन अब इनके ऊपर दबाव है कि वो केस वापस लिए जाएँ और अब उनकी मुखालफत के बजाय उनकी हिमायत में दलाल दिए जाएँ। इस सिलसिले में नए प्रोसिक्यूटर जो है परेशान थे और अब केसेस का दिफा नहीं कर पा रहे थे। अब तीसरे प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने मुसलसल जो है वो इस्तीफा दिया है। अब आरडी कलहोड़ो का कहना है कि वो नैब के साथ नदी से नहीं चल सकेंगे। 2010 से फराइज अंजाम दे रहे थे, इससे पहले नए प्रोसिक्यूटर रियाज आलम और इसके अलावा शहबाज छोत्रा ने भी इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने भी वजूहत दाखिल लिखी थी, लेकिन अब वो भी कहते हैं कि हमें जो है नैब के साथ नहीं चल पा रहे क्योंकि पहले दबाव था कि जो है वो केसेस चलाए जाएं, केसेस की कार्रवाई कराई जाए। अब उन्हीं मुल्जमान के खिलाफ उन्हीं अदालतों में कहा जाता है कि केसेस लिए जाएं, तो फिर इस तरह चलाना जो है नामुमकिन की बात है। तो इसलिए तीसरे प्रोसिक्यूटर ने कराची से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।